नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरू हुआ, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर सिकंजा कसना शुरू हुआ और योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी में बांदा की जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चला रहा है। अब तक मुख्तार की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी का जन्म आपको बता दें कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानउल्लाह अंसारी और माँ का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा है। उसके पत्नी का नाम अफशा अंसारी है और मुख्तार अंसारी के 2 बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी हैं। पूर्वांचल की राजनीति में था मुख्तार अंसारी का रुतबा। तो आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल का देश की राजधानी बेहद ही अहम रोल है। आपको बता दें कि इसकी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इन इलाकों में कितना दबदबा है, ये बात इस बात से समझ लीजिए कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिराखों पर बैठाया, उसे गरीब का मसीहा तक बताया। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके खानदान से कई शख्सियतों के नाम जुड़े हैं और मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। अब यही नहीं, अपने जमाने में मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं और ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौसेना की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। अब जानते हैं मुख्तार अंसारी के सफर के बारे में। तो 90 के दशक में ये वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हें दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखुनी सिंह से हाथ मिलाया था। मखुनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंग वॉर में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर सामने आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखूनी के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया था वो था मुख्तार का। कहा जाता है कि वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा नहीं था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का ये केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज से हत्या हुई थी और नाम था राजेंद्र सिंह। बता दें कि इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वो मुख्तार का ही था। यही से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। 90 के दशक में पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था। वो प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं की नजर में आ गया था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी पूंछ बढ़ रही थी। 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। उसी वक्त मुख्तार का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजाल अंसारी को जीत मिल गई थी। इसके बाद 1989 के चुनाव में भी अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजाल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उनकी दोनों जीतों में मुख्तार के रसूख और रुतबे का बड़ा हाथ था।
1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनावी मैदान में उतर आया और मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया था। मुख्तार रिकॉर्ड 5 बार इन सीटों पर विधायक रहा। अब मुख्तार ने अपराध की दुनिया में सियासत का दामन थाम कर अपना कद बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंग वॉर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। 2001 की अगर बात करें तो उस वक्त मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ था। कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उनके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बाल बच गए। इन सब के बीच मुख्तार ने राजनीति में अपना कद बढ़ाना जारी रखा। 2004 में लोकसभा चुनाव था और इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अब्बाल चुनाव में मैदान में उतरा। उस वक्त मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीबी हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 में लोकसभा चुनाव में सपा से अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में आया था। उसकी सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे और इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और अफजाल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंदर से हराया। इससे मुख्तार का कद काफी बढ़ गया था, लेकिन 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार को वो चेहरा सामने आया, जिससे वो एक बार फिर आरोपियों के घेरे में घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वो जेल चला गया था। इसके बाद मुख्तार ने जेल से ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश थी बीजेपी के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या की। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने थे। मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज करके मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीत कर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ल से लिया। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बताया कि चक्रव्यूह की रचना कर उसकी हत्या की गई थी और इस हत्या में 147 का प्रयोग किया गया था। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा केस था। 2007 में अंसारी परिवार ने मायावती की पार्टी BSP का दामन थाम लिया, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली मायावती ने 3 साल के बाद ही अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से एक पार्टी बनाई, जिसका जून 2016 को मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड ने विलय रद्द कर दिया और बलराम यादव को कैबिनेट से निष्कासन रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जिसके बाद कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया था। मुख्तार अंसारी के साथ उसके परिवार पर 97 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी पर अकेले ही हत्या के 8 मुकदमे के साथ 61 मामले दर्ज है। फिलहाल मुख्तार बांदा के जेल में बंद है। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई शिगपतुल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8, तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार के साथ दूसरे दोषियों को सबको ही दोषी करार कर दिया था। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1991 को लहुरावीर क्षेत्र में मौजूद आवास के गेट पर ही दिन दहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद है और इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड मामले की सुनवाई सबसे पहले बनारस की ही ADG कोर्ट में चल रही थी और 23 नवंबर 2007 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अदालत ने चंद कदम दूर ही बम ब्लास्ट हो गया।
राकेश न्यायिक ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट की शरण ली और काफी दिनों तक सुनवाई पर रोक ही लगी रही। इस केस के बाद मामले को प्रयागराज जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था और बनारस में MP MLA की विशेष कोर्ट के गठन होने पर मुकदमे की सुनवाई यहां से शुरू हुई थी। बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार के खिलाफ हत्या का ये आपको बता दें कि ये पहला मामला है जिसमें फैसला आया है और कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार और अफजाल को सजा हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर सिकंजा कसना शुरू हो गया है और अब तक उसकी सैकड़ों करोड़ों की नामी और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और BSP सांसद अफजाल अंसारी को MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया था और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था। तो फिलहाल के लिए तही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।